हेलो मेरे फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉक्स पे फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखते हैं 6-speed गियरबॉक्स कैसे रिबिल्ड करते हैं। अगर आप कभी भी KTM कंपनी बाइक का 6-speed गियरबॉक्स ओपन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करें और लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, मेरे पास जो गियर बॉक्स है इसका कंडीशन आप देख लिए। इस गियर बॉक्स को इजी रिबिल्ड करते हैं और आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 6-speed गियर बॉक्स है, इसीलिए जो 6 pieces गियर शाफ्ट पे लग जाएगा उसको अलग करना है। तो ये देखिए, गियर नहीं घुस रहा है, तो इसको साइड कर लेते हैं। देखिए, ये गियर तो घुस गया, तो ये इस शाफ्ट का है। नेक्स्ट ए गियर भी घुस गया, ए भी घुस गया, नंबर 3 गियर भी मिल गया। देखिए, ये गियर भी घुस गया, नंबर 4। गियर नंबर 5, गियर नंबर 6 भी मिल गया। हमारे ड्राइव शाफ्ट का 6 piece गियर को अलग कर लिए और उस गियर को बड़ा से छोटा साइज पे स्टेप बाय स्टेप रख देना है। अब क्लास शाफ्ट का गियर को साइड करना है। 1 नंबर गियर शाफ्ट पे फिक्स्ड है और 2 एंड 3 गियर एक साथ है, सो बाकी 3 piece गियर उठा के साइड पे रख लेते हैं। अभी देखिए, दोनों शाफ्ट का गियर को अलग कर लिए। अब बारी है सीम एंड वॉशर और कोलर बुश को दोनों शाफ्ट का अलग करना है। ये देखिए, 2 piece वॉशर है, बट ये जो मोटा वॉशर है ड्राइव शाफ्ट का और ये वॉशर थोड़ा पतला सा है, सो ये वॉशर मेन शाफ्ट या क्लच शाफ्ट का। आप देखिए, सर्कलिप 3 piece है, बट 2 piece सर्कलिप सेम है। 2 piece सेम सर्कलिप मेन या क्लच शाफ्ट का है और बाकी एक बड़ा सर्कलिप ड्राइव शाफ्ट का है और ये है थ्रस्ट वॉशर ड्राइव शाफ्ट का है। आप बारी है 5 piece कोलर बुश को दोनों शाफ्ट के लिए अलग करना। देखिए, 2 piece कोलर बुश सेम साइज का है और सेम साइज कलर बुश मेन शाफ्ट का है और बाकी 3 piece कोलर बुश डाइव शाफ्ट का है, सो दोनों शाफ्ट का गियर और सर्कलिप सेम और कोलर बुश को अलग कर लिए। अब हम डाइव शाफ्ट को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद क्लास शाफ्ट को भी रेडी करना है। चलिए, अब ड्राइव शाफ्ट का गियर को छोटा से बड़ा साइज स्टेप बाय स्टेप रखना है। उसको अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस लाइन के हिसाब से रखना है, बट 1 कंडीशन, सबसे बड़ा गियर को 1 होगा। चलिए, लाइन के हिसाब से रख लिए सब गियर को। और सर्कलिप वॉशर और कोलर बुश को गियर लाइन के साइड पे रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, 6-speed गियरबॉक्स सेट करने के लिए इसका फॉर्मूला चाहिए। 6-speed गियरबॉक्स का फॉर्मूला है 2, 6, 4, 3, 5, 1। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 गियर लाइन से उठा के फॉर्मूला के हिसाब से रखना है। अब कोलर बुश कौन सा गियर का है उसको लगाना है, बट आप लोग जान लो कि नंबर 4 गियर पे कोई भी कोलर बुश नहीं लगेगा।
सबसे बड़ा वाला कोलर बूस्ट को फर्स्ट ट्राई करते हैं कौन सा गियर पे इंस्टॉल होता है। ये देखिए 3 नंबर गियर पे लग गया। बाकी 2 कोलर बूस्ट का अंदर जो बड़ा साइज कोलर बूस्ट है उसको लेते हैं और जो गियर पे इंस्टॉल होता है उस पे इंस्टॉल कर देते हैं और बाकी लास्ट कोलर बूस्ट को बाकी 1 गियर पे इंस्टॉल करते हैं। अब ड्राइव शाफ्ट पे गियर को इंस्टॉल करते हैं। ये है ड्राइव शाफ्ट और सबसे पहले 4 नंबर गियर को लाइन से उठा के गियर का जो काट मार्क है उसको चेन पॉकेट के साइड पे रख देते हैं और साथ पे इंस्टॉल करना है। अब एक थ्रस्ट वॉशर को इंस्टॉल करें। अब 3 नंबर गियर को लाइन से उठाना है, ए गियर इस साइड से लगाना है तो इंस्टॉल करें और सर्किट ब्लॉक से लॉक करें। आप 5 नंबर गियर को इंस्टॉल करें, बट इस गियर का बोथ साइड सेम है सो कौन सा साइड से इंस्टॉल करें देखते हैं। देखिए इस साइड से इंस्टॉल किया बट प्रॉपर फिट नहीं हुआ सो गियर का ऑपोजिट साइड से इंस्टॉल करना है। आप 1 नंबर गियर को इंस्टॉल करें, गियर का जो काट मार्क है वो स्पॉकेट के साइड पे रख के इंस्टॉल करते हैं और कोलर ब्रूस को इंस्टॉल करें। अभी 6 नंबर गियर को लाइन से उठा के शाफ्ट पे इंस्टॉलेशन किया बट ठीक से फिट नहीं हुआ सो ऑपोजिट साइड से इंस्टॉल करें। ये देखिए प्रॉपर फिट हो गया। अब लास्ट कोलर बूस्ट इस तरह इंस्टॉल होगा और नंबर 2 गियर को जो काट मार्क है वो अंदर के साइड से रख के इंस्टॉल करें। बाकी एक वॉशर है उसको चेन पॉकेट के साइड से इंस्टॉल किया तो नहीं होगा, ऑपोजिट साइड से इंस्टॉल करें। फिलहाल टाइप सब रेडी है, अब मेन या क्लास टाइप का रेडी करना है। अब 2 पीक कोलर बूस को साइड पे रख लेते हैं, साइड क्लिप और वॉशर को भी साइड कर ले। नंबर 1 गियर क्लास टाइप पे इंस्टॉलेशन है बट बाकी सब गियर को बड़ा से छोटा स्टेप बाय स्टेप रख लेते हैं। देखिए ये है 5 पीस गियर और एक शाफ्ट पे है क्लास शाफ्ट का गियर का सबसे छोटा गियर को 1 नंबर पे रखना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नंबर के हिसाब से रख ले। चलिए आप फॉर्मूला के हिसाब से रखना है गियर को। 3 और 4 गियर एक साथ है इसीलिए 4 नंबर खाली है। चलिए आप कोलर बूस कौन सा किस गियर का देखते हैं। तो बड़ा कोलर बूस को 5 नंबर गियर पे इंस्टॉल करें और छोटा कोलर बूस को 6 नंबर गियर पे इंस्टॉल करें। देखिए ये परफेक्ट है। अब क्लास शाफ्ट को उठाना है और 5 नंबर गियर को इस तरह इंस्टॉल करें। और ए ग्रुप पे सर्किट लॉक करना है, चलिए सर्किट प्लेयर से लॉक कर लेते हैं।
फॉर्मूला के हिसाब से 3 नंबर गियर को फर्स्ट इंस्टॉल करें। अगर 4 नंबर गियर को फर्स्ट इंस्टॉल किया तो देखिए ठीक से सेट नहीं होगा, सो नंबर 3 गियर को इंस्टॉल करें। उसके बाद एक सर्किट लॉक से लॉक करें। देखिए ये जो ग्रुप है इस पे सर्किट लॉक करना है। और 3 एंड 4 नंबर गियर को मूव होगा। अब 6 नंबर गियर को इंस्टॉल करें और कोलर बूस इस तरह रखें। अब 2 नंबर गियर को इंस्टॉल करें। इस गियर के बोथ साइड पे सेम है, आप कोई भी साइड से इंस्टॉल कर सकते हैं। और लास्ट पे वॉशर को इंस्टॉल कर ले। फिलहाल ये था KTM बाइक का 6 स्पीड गियर बॉक्स रिवील वाला वीडियो। वीडियो कैसा लगा हर बार की तरह कमेंट पे जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आप हमारे नॉक्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो पे।